गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनीता रानी गोयल, बायोलॉजी लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़रुखा तो थोड़ा सारे का स्वागत करती हाँ। बच्चों बच्चों, आज का अपना टॉपिक है एक्टिविटी टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चों, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कितों होंगे है? साढ़े नोज तो, नोज नोस पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स जो कि ओपन हुए साढ़े माउथ से, देन द फेरेंक्स। फेरेंक्स की है बच्चों कॉमन पैसेज फॉर फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। देन लेरेंक्स, लेरेंक्स की है साड़ी कंठ पटारी। ट्रेकिया पार्ट तुहानू नजर आ रहा है कितों निकल रहा है, अपनी नैक तो, ते ओपन जाके हुंदा है लंग्स दे विच। बड़ी सिंपल जा अपना एक रेस्पिरेटरी सिस्टम दे पूरी स्ट्रक्चर है जो तुहानू स्क्रीन दे उपर नजर आ रही है। बच्चों, लंग्स प्रेजेंट कित्थे है? लंग्स प्रेजेंट है साड़ी थोरेसिस कैविटी दे विच, इधर साइड ऑफ दी हार्ट। वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स जो तुहानू डायग्राम तो काफी क्लियर हो रहा है जी। असी साड़े थोरेसिस चैम्बर, थोरेसिस चैम्बर बच्चों की है एक तरह की, इस तरह की रिब केज बनती है। रिब केज के अंदर साढ़े सारे वाइटल ऑर्गन जड़े ने प्रोटेक्टेड होंगे ने, जस्ट लाइक आवर हार्ट एंड मेजर आवर लंग्स, ठीक है बच्चों। तो लंग्स के विच जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया की होएगा तो असी देखो ट्रेकिया जाके डिवाइड होगी ब्रोंकाई के विच, ब्रोंकाई ब्रोंक्योल्स के विच, देन वेरी थिन एंड माइल्ड बहुत ही महीन ते पतलियां पतलियां दीवारां वाले अल्वियोलाई। अल्वियोलाई की चीज है बच्चों, अपना मेन पॉइंट है बॉडी दा जिस जगह ते एक्सचेंज ऑफ गैसेज होंगी है, दैट इज द असं कहने कि एयर दे विचों ऑक्सीजन साडे ब्लड विच मिक्स हो जाती है, ते साडी जिहड़ी मेटाबॉलिक वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है दैट वी ब्रीद आउट। ये जिहड़ी ऑक्सीजन ब्लड च मिक्स होई इट विल रीच टू अवर माइटोकॉन्ड्रिया, कल्ले कल्ले सैल दे माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचेगी जिथे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड दे नाल एनर्जी प्रोड्यूस होएगी। आई थिंक ये प्रोसेस है जो तुहानू सारयां नू बहुत अच्छी तरह नाल समझ है कि अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम किस ढंग दे नाल सानू एनर्जी प्रोवाइड करता है टू वर्क, ठीक है। असी इस अज दा जिहड़ा साडा मेन टॉपिक है इस दे विच असी की करना की है, असी सिस्टम ते असी पढ़ना है कि प्रैक्टिकली देखांगे कि साडे जिहड़े लंग्स ने ओहो किस। बच्चों, यह है एक सिंपल मॉडल कि साड़ी लंग्स किस ढंग नाल काम करते हैं, साडा असी किस ढंग नाल जे ब्रीदिंग करते हाँ साड़े लंग्स एक्सपैंड होंगे है, जे असी ब्रीद आउट करते हाँ तो साड़े लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वो प्रोसेस नू समझाने दे लई असी प्रैक्टिकली खुद वर्किंग मॉडल ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया है जिसनों तुसी देख सकते हो। हाँ जी बच्चों, यही साढ़े स्कूल दे ही बच्चे है जो कि असी क्लास दे विच यह एक्टिविटी नू किता है ते असी वर्किंग मॉडल नू खुद ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं।
वर्किंग मॉडल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। वर्किंग मॉडल रेस्पिरेटरी सिस्टम से बच्चों एक ही जी पाइप है यह काम करती है ट्रेकिया की। नीचे दो जो थानू वाई शेप पाइप नज़र आती है यह दोनों है ब्रोंकाई ते रेड कलर के जेडे अंदर दो बैलून ने वह दोनों बैलून साढ़े लंग्स शो करते हैं ते नीचे वाला जो है दैट इज द डायफ्राम। हाँ जी सब तो पहला असी इस विच जेडी प्रोसेस शो करांगे वह है इंस्पीरेशन या ब्रीद इन। ब्रीद इन दे विच देखो नज़र आ रहा है कि जेडी लंग्स ने एक्सपैंड हो रही है। लंग्स एक्सपैंड किवें हो रहे हैं जो ऑक्सीजन या एयर एंटर करती है असी जो ब्रीद इन करते हाँ साडा जेड़ा डायाफ्राम है यह रिलैक्स करता है। थोरैक्स कैविटी का वॉल्यूम वाधा है जिस दे नाल की होएगा कि लंग्स एयर जी है लंग्स के एंटर कर जाएगी। इस दे नाल दूसरी जी प्रोसेस है दैट इज द एक्सपीरेशन और द ब्रीद आउट। ब्रीद आउट की है इंस्पीरेशन का असी लैने अपोजिट है। इस दे विच की होएगा चेक करो जोड़ा वॉल्यूम है थोरैक्स कैविटी का यह की होया यह डिक्रीज हो गया। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होया इस दे नाल की होया लंग्स की जी एयर सी दैट इज एक्सपेल्ड आउट एंड लंग्स श्रिंक। ठीक है जोड़े लंग्स ने जो बैलून श्रिंक हो रहे हैं नोट के लंग्स तो इस विचों की होएगा एयर जी है वह एक्सपेल्ड आउट होएगी। इस दे नाल यह जोड़ा वर्किंग मॉडल है रेस्पिरेटरी सिस्टम का असी लंग्स की दोनों की दोनों इंस्पीरेशन एक्सपीरेशन दोनों प्रोसेस में बहुत ही वधिया ढंग के नाल शो कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों। जोड़ा साड़ा असी मॉडल तुसी हुणे देखिया है इस दे विच तुसी इंस्पीरेशन ते एक्सपीरेशन जेड़ी प्रोसेस है उस नू काफ़ी वधिया तरह समझ लिया होएगा। चलो असी एक बारी इस नू दोबारा एक समराइज कर दिए कि इंस्पीरेशन च की होएगा। इंस्पीरेशन दे विच जेड़ा डायाफ्राम है वो की करता है डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है या असी कहने फ्लैटन हुंदा है। इस दे नाल वर्टिकल वॉल्यूम इनक्रीज करेगा। देखो तुहानू नज़र आ रहा है डायग्राम तो कि साड़ियाँ रिब्स ते स्टर्नम जड़ियाँ है यह लिफ्ट अप हुंदी है। इन्हां दे लिफ्ट अप होने तो आह थोरेसिस वॉल्यूम जड़ा है यह इनक्रीज करेगा। थोरेसिस साड़े लंग्स एक्सपैंड करेंगे ते पल्मोनरी वॉल्यूम भी इनक्रीज करेगा। इस दे नाल की होएगा वी विल इनहेल द लंग्स। ठीक है बच्चों तां ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਵੇਟ ਹਾਂਜੀ ਐਕਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੋਰੈਸਿਸ ਵੋਲਿਊਮ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਮਨਰੀ ਵੋਲਿਊਮ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। एयर विल एक्सेल आउट। तो दिस इज द सिंपल प्रोसेस। आई थिंक तुहानू सारयां नू बहुत ही अच्छे ढंग नाल समझ आई होगी कि इंस्पीरेशन ते एक्सपीरेशन प्रोसेस दे विच की हुंदा है। बच्चों बच्चों इस तो बाद असी करांगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की चीज़ है बच्चों। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी नू चेक करन लई जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज होंदा है तुहानू स्क्रीन ते नज़र आ रहा है इस नू असी स्पायरोमीटर कहने बच्चों। स्पायरोमीटर दे नाल की है कि जे असी स्पायरोमीटर की गल करिए स्पायरोमीटर दे विच बच्चों तुहानू यह स्क्रीन नज़र आ रही है। वेट स्क्रीन नज़र आ रही है। स्क्रीन दे उपर यह है साड़ी कोल स्पायरोमीटरी विच तुहानू स्क्रीन नज़र आ रही है। स्क्रीन दे उपर स्पायरोमीटर है। स्पायरोमीटर जो है इस नाल असी अपने लंग्स ते या असी कहिए असी पल्मोनरी फंक्शनल वॉल्यूम्स नू चेक कर सकते हाँ।
पल्मोनरी फंक्शनल वॉल्यूम्स की चीज है बच्चों। लंग्स दी असी कहते हैं साड़ी लंग्स हेल एंड हार्टी है, बिल्कुल ठीक है, या मान लो किसी ने कोई प्रॉब्लम आ रही है और डॉक्टर को जा रहे हैं, जो डॉक्टर को जाता है डॉक्टर्स ने जो उसकी लंग्स दी ये देखना है भी लंग्स में कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, तो वह जो टेस्ट है बच्चों तो स्क्रीन पर नज़र आ रहे स्पैरोमीटर के नाल होंगे ने। डॉक्टर्स इस दे विच सत्त तरह के वॉल्यूम्स ने जिन्हों वो चेक करता है, ये मैनुअल तुम्हें नज़र आ रहा है भी मैनुअल स्पैरोमीटर है, ते एक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जार टाइडल वॉल्यूम्स, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम है, रेजिडुअल वॉल्यूम है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है बच्चों, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है एंड द वाइटल कैपेसिटी। इन्हों सारे अपना खुद अज स्क्रीन के उपर ही प्रैक्टिकली आप इस चेक करेंगे। बच्चों सब तो पहला अपने कोल है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की है बच्चों? मान लो तुसी क्लास च आराम नाल बैठे हो, मैं बैठी हूँ, टीचर थानू कोई काम नहीं कह रहा, तो तुसी सिंपल व्हाट इज योर नेम, मान लो मैं थानू इत्थे स्क्रीन ते बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, तुसी कित्थे रहने हो, की काम करते हो, या किहड़ी क्लास च पढ़ रहे हो, तो उस टाइम जिहड़ी ब्रीदिंग है तुसी कोई फोर्सफुली नहीं लै रहे, व्हाट इज गोइंग ऑन, नॉर्मल इंस्पीरेशन, नॉर्मल जड़ा है तुसी की कर रहे हो, ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हो। तो ये जी नॉर्मल वॉल्यूम है, जो तो असी नॉर्मल वॉल्यूम की बच्चों गल कर रहे हाँ, ये जो नॉर्मल वॉल्यूम है तो नॉर्मल दिस इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, इट इज अबाउट 500 ml पर एस्पिरेशन पर या पर मिनट ले लिए, तो ये 6 लीटर तो 8 लीटर तक होंगे बच्चों। तो नेक्स्ट वॉल्यूम है साढ़े को एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की है बच्चों? मेरे नाल एक एक्टिविटी नू करन दी कोशिश करो, तुसी एक बारी नॉर्मल रेस्पिरेशन कीती, नॉर्मल ब्रीथ, उस तो बाद फोर्सफुली दिनी फोर्सफुली तुसी एयर नू बाहर कढ सकते हो, ठीक है, दैट इज आवर। एक तो तुसी नॉर्मल ब्रीथ आउट करना है, नॉर्मल ब्रीथ आउट तो बाद बिल्कुल फोर्सफुली तुसी ब्रीथ आउट करना है, दैट विल बी योर एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो इस दे रिवर्स देखो मैं की कर रही हाँ, मैं ब्रीद इन करने की कोशिश कर रही हूँ उस टाइम तक जो तक मेरा सांस नहीं उखड़ता है, जिन्होंने असं जो पंजाबी भाषा से समझने की कोशिश करते हाँ, तो वट विल बी दैट, दैट विल बी द इंस्पीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यही करीब करीब 2 से 3 लीटर के करीब होता है बच्चों। बच्चों हुण तुसीं देखो भी जिहड़ी तां एक्सपीरेटरी है वह ते इंस्पीरेटरी, इन्हां दोनों के वॉल्यूम च फर्क क्यों है? इन्हां दोनों के वॉल्यूम च फर्क इसलिए है बच्चों, जे मैं तुहानूं अपने इस मॉडल नाल भी समझावां, मान लो मैं ब्रीथ आउट कर रही हाँ, तुसीं देखो जिहड़े बैलून लंग्स नूं शो करे 100% कोलैप्स नहीं करते 100%, तो इन्हों की होंगे कुछ एयर जड़ी है वो हमेशा ते हमेशा रह ही जाएगी, दैट रेजिडुअल वॉल्यूम, दैट व्हाट इज दैट, दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम जिहड़ी करीब करीब 1100 to 1200 ml होंगी बच्चों। हाँ जी बच्चों, हुण तुहानू टाइडल वॉल्यूम समझ आ गया, ERV समझ आ गया, तो IRV, इन्हों तिना तुसी एक्सपेंड करके लिखने की कोशिश करो। नाउ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की है कि तुसी एक बारी नॉर्मल एक्सपीरेशन तो बाद टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एक कितना होएगा, टाइडल वॉल्यूम ते IRV दे बराबर होएगा, ए 3 to 3.5 ml दे सॉरी लीटर दे इक्वल होएगा। इस तो बाद बच्चों तुहाडे कोल आ गया एक्सपीरेटरी कैपेसिटी, एक्सपीरेटरी कैपेसिटी इन द सेम वे किन्नी होएगी, असी लैने हाँ कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर द नॉर्मल इंस्पीरेशन। हाँ जी, नाउ द वाइटल कैपेसिटी। बच्चों वाइटल कैपेसिटी की है? मान लो मैं फोर्सफुली वो कर रही हूँ,
ब्रीद इन कर रहे हैं, जिस जगह मैं ब्रीद इन करना छोड़ूंगी एक का एक, क्योंकि मैं ब्रीद आउट करूं फोर्स, जो दो फोर्सफुली ब्रीद इन तो बाद असी ब्रीद आउट कर रहे हैं, फोर्सफुली ब्रीद आउट तो बाद ब्रीद इन कर रहे हैं, उस टाइम जेडी कैपेसिटी है दैट इज अवर वाइटल कैपेसिटी, इट इज 3.5 to 4.5 लीटर दे इक्वल होंगी है बच्चों। दैन द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यही नॉर्मल एक्सपीरेशन तो बाद साड़ी लंग्स विच हर टाइम जिन्नी एयर रह जाती है दैट इज इक्वल टू ERV प्लस RV। मैनू उम्मीद है तुहानू सारिया नू तुसी ए वाली जिहड़ियां प्रोसेस ने खुद करो, बार बार जो तुसी करके देखोगे तुहानू ये सारे वॉल्यूम अपने आप समझ आएंगे बच्चों। इन्ना वॉल्यूम दे नाल जो स्क्रीन दे उपर शो होंदा जदों डॉक्टर स्पायरोमीटरी नाल चेक करते हैं, तां किसी भी जो पेशेंट है उस दी लंग्स दी फंक्शनिंग नू डॉक्टर चेक कर सकते ने। नाउ मैनू उम्मीद है तुहानू लंग्स दा वर्किंग मॉडल ते लंग्स दे जिन्ने भी वाइटल वॉल्यूम्स ने, मैं इन्हां नू शब्द वाइटल वॉल्यूम दूंगी क्योंकि साडे हेल एंड हार्ट दी लंग्स दे लई बहुत ज्यादा जरूरी है, सारिया नू बहुत ही अच्छे ढंग नाल समझ आ गया होणगे बच्चों। हुण छोटा जिहा पॉइंट है कि आपां अपने लंग्स नू किवें किवें हेल्दी रख सकते हाँ। सब तो मेन चीज है बच्चों अपने हाथों नू बार बार धो, कोविड दौरान भी बार बार कहा गया तुहानू, फिर फ्रैश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाओ। साडे एंशियंट टाइम तो साडे पूर्वज एक गल नू बार 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 जोर दे के कहते हैं कि योगा ते एक्सरसाइज, योगा रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज ते नाल नाल प्राणायाम साडे लंग्स दी हेल एंड हार्टी दे लई, साडे लंग्स दी हेल्दी लंग्स लई बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप नू पोल्यूशन तो बचाओ, ते मेन जिस चीज तो तुसी सारिया ने हमेशा बचा के रखना है अपने घर दे अपने सारे फैमिली मेंबर सब नू भी कहना है वो की है, नो स्मोक, से नो टू स्मोक टू कीप योर रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल एंड हार्टी हेल्दी रखने दे लई। इसे लिए असी कहने हाँ कि स्मोकिंग तो एक्टिव स्मोकिंग एज वेल एज पैसिव स्मोकिंग तो अपने आप नू बचा के रखो। मैनू उम्मीद है तुहानू अज दा मेरा टॉपिक जरूर पसंद आया होएगा। थैंक यू।